लालची बेटी। सुधा और उसका भाई दिनेश किसी तरह गरीबी में पले बड़े। दिनेश बड़ा होकर छोटा मोटा काम करता और अपना घर चलाता। बेटा दिनेश, किसी तरह अपनी बहन की शादी करवा दे, बड़ी हो गई है लेकिन अभी तक घर पर बैठी है। ठीक है माँ, मैं कोई लड़का देखता हूँ। थोड़े दिनों में दिनेश को एक लड़का मिलता है जो बहुत बड़े बंगले में ड्राइवर का काम करता था। माँ, एक अच्छा लड़का मिला है, वो पास के बड़े बंगले में ड्राइवर है, खूब अच्छी गाड़ी चलाता है, वो सुधा को खूब खुश रखेगा। अरे वाह भैया, फिर तो वो मुझे चार चक्के में घुमाएगा भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं घुमाएगा, जरूर घुमाएगा। अरे बेटा तू चल, उन लोगों के घर हम लोग जाकर बात कराते हैं। दिनेश और माँ सुरेश के घर जाते हैं, वहाँ उन लोगों की खूब आवभगत होती है। हम लोगों ने तो दिनेश को देखकर ही सोच लिया था, जिसका भाई इतना संस्कारी और सभ्य है तो बहन कैसी होगी। लेकिन फिर भी एक बार सुधा से मिल लेते हैं। हाँ, अब तो बस शादी के बाद यही मिलना होगा, है ना? आप लोगों की कोई मांग हो दहेज के लिए तो? अरे नहीं दिनेश जी, मैं तो खुद मेहनत करके एक एक चीज घर की बना रहा हूँ, बस घर में शांति रहे यही मैं चाहता हूँ। दिनेश और माँ बहुत खुश होकर घर आ जाते हैं। अरे सुधा, तेरी तो किस्मत ही खुल गई है, क्या लड़का है, माँ भी उसकी बहुत अच्छी है, कितने सीधे लोग हैं। माँ, घर में क्या क्या था? कितना बड़ा घर था, रंगीन टीवी थी ना, और लड़की की माँ ज्यादा चपर चपर तो नहीं कर रही थी ना? नहीं सुधा, ये सब तो नहीं था, लेकिन लड़के ने वादा किया था कि वो मेहनत करके सब कुछ घर में ले लेगा, बस उसे एक अच्छी लड़की चाहिए जो घर में शांति रखे। क्या, कुछ भी नहीं था? नहीं नहीं, मैं ऐसे घर में नहीं करूंगी शादी। यहाँ भी परेशानी, ससुराल जाओ तो वहाँ भी परेशानी। अरे परेशानी रहना है तो मैं अपने घर में क्यों ना रानी बनकर रहूं, किसी और के घर में नौकरानी बनकर परेशान रहने से तो वही अच्छा है ना। अरे कैसी बात कर रही है बेटा, कल को दिनेश की भी शादी होगी, भाभी आएगी, तो क्या तुम सर पर बैठी रहोगी? तो क्या ये घर मेरा नहीं है माँ? और कल को किसी और को आना है तो इस चक्कर में मैं कहीं भी चली जाऊँ? वो कहीं भी नहीं, ससुराल होने वाला है तेरा सुधा। लेकिन सुधा नहीं मानती, पर माँ क्या करती, बेटी को घर पर तो नहीं बिठा सकती थी। दिनेश, पूछ अपनी बहन से क्या करे कि वो शादी कर ले। दिनेश बहन से पूछता है कि वो शादी के लिए क्या चाहती है। मुझे महंगा रंगीन टीवी, फ्रिज और एसी लेकर दोगे तो मैं करूंगी शादी। दिनेश क्या करता, इतना पैसा कहां से लाता। वो शांत होकर बाहर चला जाता है। वो रास्ते में जा रहा होता है कि उसे एक लड़की मिलती है जो सड़क के बीच में खड़ी होती है। अरे ये लड़की ऐसे क्यों खड़ी है, सामने से बस आ रही है, कहीं उसे कुचल देगी। ए लड़की, हटो वहां से, ए लड़की। दिनेश लड़की का हाथ पकड़कर उसे बस के सामने से हटा देता है। क्या हो गया, तुम आत्महत्या क्यों कर रही थी? क्यों बचाया आपने मुझे, मर जाने देते, वैसे भी आज नहीं तो कल मरना ही तो है मुझे। अरे ऐसी बात क्यों कर रही हो, बताओ मुझे, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? नहीं, मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे माता पिता मेरी शादी एक बड़ी उम्र के आदमी से करवा रहे हैं। क्यों, क्या वो गरीब है? नहीं, उन लोगों के पास काफी पैसा है, लेकिन मैं काली हूँ ना, इसलिए कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है, पर मैं एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती। तभी वहाँ उस लड़की का भाई और पापा आ जाते हैं। चलो मेधा, वहाँ तुम्हारा दूल्हा बारात लेकर खड़ा है और तुम? नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, वो बहुत बड़े हैं, वैसे भी मैं इनसे प्यार करती हूँ। दिनेश हैरान रह जाता है। तो ये तुमसे शादी करने को तैयार है? दिनेश लड़की को मजबूर देखकर हाँ कर देता है। अब क्या, पूरे धूमधाम से दिनेश की शादी मेधा से हो जाती है। शादी के बाद, देखो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे मेरी शादी हो जाएगी, तुम बड़े घर की हो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सारे ऐशो आराम दे सकूं, मैं और कड़ी मेहनत करूंगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरा जीवन खराब होने से बचा लिया। दिनेश और मेधा बात कर ही रहे थे कि बाहर सुधा की आवाज आती है। भैया जल्दी बाहर आओ, देखो माँ को क्या हो गया।
दिनेश और मेधा बाहर आते हैं जहां माँ जमीन पर गिरी होती है। क्या हुआ माँ को? माँ को तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं। दोनों माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ डॉक्टर कहते हैं, अरे इन्होंने तो बहुत सारा टेंशन लेकर रखा है, दिमाग सारा दिन चलता रहता है शायद इनका, ज्यादा सोचने से इन्हें चक्कर आ गए हैं और ये गिर गई। क्यों बहन जी, क्या चिंता है आपकी? मेधा को लगता है कि सास उसके कारण परेशान है, तभी सास कहती है, अरे मेरी बेटी बड़ी हो रही है लेकिन उसकी लालच के कारण वो अभी तक घर में बैठी है, अच्छे अच्छे रिश्तों को मना कर रही है। अब जो हैसियत हम लोगों की है उतना ही तो कर पाएंगे ना। ये तो देखिए आपके घर का मामला है लेकिन ज्यादा सोचने से तबीयत खराब हो सकती है। सभी घर आ जाते हैं। दिनेश क्या बात है, तुम्हारी बहन शादी क्यों नहीं कर रही? तुम तो जानती हो मेधा, मैं एक छोटी सी नौकरी करने वाला इंसान हूँ, थोड़ा बहुत जो मिलता है उससे घर खर्चा चलता है, थोड़े मेहमानों को बुलाकर खाना खिलाकर बहन को विदा कर दूं यही बहुत है, लेकिन उसकी इच्छाएं और ख्वाहिशें बहुत हैं, इसलिए मैं उसकी शादी नहीं करवा पा रहा हूँ। सुधा को तो मेहनती और काम करने वाले लड़के मिल रहे हैं, वो तो मेहनत से बड़ी चीज खड़ी कर सकते हैं, फिर क्यों मना करना? मैं बात करती हूँ। क्या बात है सुधा, क्यों शादी नहीं करना चाहती हो? आप भी तो शादी नहीं कर रही थी ना, फिर क्यों की? अरे वो शादी नहीं थी, दबाव था अपने से बड़े आदमी से शादी करने का। तो भाभी इस घर में आपके पिता ने आपको सारी सुख सुविधा की चीजें दी है ना, बड़ा टीवी, ठंडा पानी, सब कुछ मिल रहा है ना यहाँ पर, तो फिर मैं गरीबों वाली जिंदगी क्यों जीऊं? अरे कहाँ से लाएगा तेरा भाई ये सारी चीजें जिसे देखकर मैं तेरी शादी कर दूं? लड़के खड़े हैं बिना दहेज की शादी के लिए लेकिन ये लड़की, अरे इतनी लालची है कि भाई का सोच भी नहीं रही है। कोई बात नहीं माँ जी, आप गुस्सा ना करें, ये सारा सामान नया ही है सुधा, मैं कल ही किसी को बुलाकर पैक करवा देती हूँ, ये तुम अपने साथ ले जाना, मैं और दिनेश फिर खरीद लेंगे। अरे नहीं नहीं बहू, ये तेरे पिता ने तेरे लिए दिया है, तू कैसे रहेगी इन सब के बिना? माँ मेरे लिए दिनेश सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, वो ठीक रहे तो ये सब तो हम फिर कभी भी ले सकते हैं। अरे जीती रहे बहू, तूने तो मेरी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। फिर क्या, मेधा का सारा सामान सुधा की शादी में चला जाता है, उसकी शादी हो जाती है और सास, हाँ, चैन की सांस लेती है।